one learning loss. In the previous video, I taught you the summary of the lesson, Ganga's marriage. In this video, I am going to teach you short question answers of this lesson. The first question is, describe the village of narrator. कहानी कहने वाला है लेखक के गांव का वर्णन करेंगे. आंसर इसका देखिए, द नरेटर बिलोंग टू हमसा आली ए विलेज इन मैसूर स्टेट. लेखक या कहानी कहने वाला जो है मैसूर प्रांत के एक गांव हमसा आली का रहने वाला है. द विलेज है सम नेमोट ए गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, रिवर्स कुछ बेले और लताएं हैं एंड पॉन्ड और जलाशय है तालाब से कहते हैं. द पीपल आर सिंपल, वहाँ के लोग साधारण हैं. एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट वाइड इन देयर विलेज, और उस गांव में उन लोगों के गांव में अंग्रेजी भाषा बहुत व्यापक स्तर पर नहीं थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन हमसा आली. Prove it by giving an example. हमसा आली में अंग्रेजी बहुत व्यापक स्तर पर नहीं थी, इसका उदाहरण देकर के प्रमाणित करिए. आंसर देखिए, English was not so widespread in हमसा आली. English जो है हमसा आली में इतनी व्यापक स्तर पर नहीं विकसित थी. The trees of the people you see रंगा वैली इंटेंस from Bangalore से गंगा के लौटने पर लोगों के अंदर उसे देखने का जो क्रेज था वो ये प्रूव करता है, प्रूफ इस पॉइंट इस तथ्य को प्रमाणित करता है. उस गांव के लोग उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देते थे जो अंग्रेजी जानता. नेक्स्ट क्वेश्चन, भूभाग रत्ना रत्ना कौन थी. वाइट गंगा कालेज रंगा जो है उससे प्यार क्यों करने लगा, कैसे क्या बात थी जिससे वो प्यार करने लगा. रत्नावास रामाराव थी, रत्ना रामाराव की भतीजी थी. सी वाज 11 ईयर्स और वो 11 वर्ष की थी. एंड सी वाज ए गुड सिंगर, वो एक अच्छी गायिका थी. एंड यू हाउ टू प्ले ऑन वीणा एंड हारमोनियम, उसे वीणा और हारमोनियम बजाने भी आती थी. अब स्ट्रीट वाइज उसकी मधुर आवाज एंड ब्यूटी और सुंदरता ने रंगा पालन रंगा के अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द नरेटर डिटरमाइन टू गेट रंगा मैरिड. लेखक को इस बात ने दृढ़ निश्चय बना दिया कि वह रंगा की शादी कराएगा. आंसर देखें, रंगा वांटेड टू मैरी अ वेल एजुकेटेड गर्ल whom he could admire. रंगा उस लड़की उस सुशिक्षित लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी वो प्रशंसा कर सके. He declared that he would not get married. उसने यह घोषित कर दिया था कि वह तब तक शादी नहीं करेगा until जब तक he found the right girl, जब तक उसे सही लड़की नहीं प्राप्त हो जाएगी. लेटर क्योंकि एज अ चैलेंज लेटर ने इसे चुनौती के रूप में लिया और that he would get married. इस चुनौती को भी वो उसकी शादी करवा कर कह दिया गया. स्टूडेंट, रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.